अजमेर उत्तर से विधायक वासुदेव देवनानी ने अनलॉक प्रक्रिया के तहत धार्मिक स्थल खोलने की मांग रखी है, जिससे कि सभी भगवान के दर्शन कर सके। विधायक देवनानी ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 महामारी के कम होते प्रभाव के बाद अनलॉक प्रक्रिया के तहत मॉल, बाजार व पर्यटक स्थल व अन्य स्थान खोल रही है। ऐसे में अब धार्मिक स्थल पर प्रतिबंध श्रद्धालुओं के साथ अन्यायपूर्ण है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द धार्मिक स्थल खोलने चाहिए, जिससे कि सभी अपनी अरदास धार्मिक स्थलों में कर सके। धार्मिक स्थलों से चलने वाले व्यापार को भी बढ़ावा मिल सके। कई लोगों के रोजगार ऐसे स्थलों से चलते हैं, ऐसे में उन्हें भी बराबर का मौका मिलना चाहिए। जी, कोरोना काल में जो कोरोना की द्वितीय लहर समाप्ति की ओर है और राज्य सरकार धीरे धीरे नई ढील देती जा रही है, ऐसे समय राजस्थान के धार्मिक स्थलों को बंद रखना नितंत लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कहा जा सकता है। जब मॉल चल सकते हैं, दूसरे पर्यटन स्थल चल सकते हैं, तो उस समय केवल धार्मिक स्थलों के लिए ही ये प्रतिबंध जारी रखना निहायत अन्यायपूर्ण है। व्यक्ति इतने दिनों से ठीक है, कोरोना का प्रोटोकॉल था, कोरोना महामारी थी, तो अपने घर पर पूजा पाठ कर रहे थे, लेकिन जब सारा राजस्थान में ये आ गया कि केवल पूरे राजस्थान में 200 के आसपास संक्रमित लोग आ रहे हैं, ऐसे समय भी जब एक जिले में 5, 7, 10 हों, उस समय इन धार्मिक और पूजा स्थलों को न खोलना निश्चित रूप से ये लोगों की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने के समान है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि वे तुरंत धार्मिक स्थलों को खोलें, लोग अपनी पूजा अर्चना कर सकें, अपनी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप अपना जीवन जी सकें, क्योंकि कई लोग तो बिना मंदिर जाए भोजन नहीं करते, अन्न नहीं खाते, यानी उनकी अभी कितने धैर्य की परीक्षा लोगे। मैं समझता हूँ बहुत हो गया, अब जब सारे स्थल खुल रहे हैं, इनको भी तुरंत खोला जाना चाहिए। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB News, सच्चाई की वापसी।